हौसला मैं गिरने वाली थी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत एनर्जी है भाई। ये वैलेंटाइंस डे की वजह से एनर्जी है या वैसे ही होती है एनर्जी? कितने लोग कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे की वजह से एनर्जी ज्यादा है? और लड़कियों का तो हाथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा जी, वाकई में मोहब्बत का दिन, प्यार और खुशियां बांटने का दिन। वैसे मैं ये समझती हूँ कि वैलेंटाइंस डे जो पूरी दुनिया में 14 फेब को मनाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत के इजहार के लिए अपनों से जो आप मुख्तलिफ रिश्तों में बंधे हुए होते हो, आप उनके साथ अपनाइत का इजहार करो या आप अपने साथ उनके साथ मोहब्बत का इजहार करो, उसके लिए कोई ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर रिश्ते को, हर लम्हे, हर पल, हर सेकंड चेरिश करना चाहिए। तो आज का ये जो वीकेंड शो है और कल का स्पेशल होने वाला है, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। अच्छा, हमने कोई कैद नहीं रखी हुई कि हम 14 फेब को ही वैलेंटाइंस डे बनाए। मैं जिस तरह पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम रिश्तों को अपनाने के लिए, रिश्तों को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, अपनों की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हर लम्हा हर पल कोशिश करनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम बड़ा मौज मस्ती वाला होगा। और आपको ये मैं बताती चलूँ, थोड़ा सा हम फैशन के हवाले से बात करेंगे। मेरे जो आज की सेलिब्रिटी मेहमान हैं, जो सिंगर हैं, उनके अगर मैं गानों की बात शुरू करूँ, उनकी पंजाबी गानों की बात शुरू करूँ, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बस हर शादी होती है, चाहे पाकिस्तान की बात करें या बैरून मुल्क की बात करें, जितनी भी शादियां होती हैं उसमें इनके गाने जरूर बजते हैं और इनके गानों में भंगड़े भी डाले जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं भंगड़ा डालने के लिए? नहीं है? डाल लो, मजाक उड़ा लेंगे, थोड़ा बहुत ना आया तो कुछ नहीं होता। हाँ, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा जी, मैं ऑडियंस की तरफ भी बढ़ूंगी, लेकिन एक और जरूर मैं बात बताऊं कि जब मोहब्बत बांटने की बात आती है, रिश्तों को सेलिब्रेट करने की बात आती है, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे खसूसी अफराद हैं। बिकॉज आई डन माई मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन और मेरे वालिद साहब का आप सब जानते हैं, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, ही इज ऑलवेज बिन वेरी क्लोजली अटैच टू स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन की जब बात आती है ख्वातीन हजरात, तो वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों की अगर मैं आपको बात बताऊँ, बिकॉज जब मैंने मास्टर्स किया और मैं अपने वालिद साहब के साथ जितने भी बड़े लेवल के ऊपर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने जब जब इवेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज कराए हैं, हमने एक चीज़ हमेशा ये देखी है कि जो खसूसी अफराद होते हैं, खसूसी बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ आपके प्यार की और आपके तवज्जो की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने हर किसी को इस दुनिया के अंदर किसी ना किसी टैलेंट से नवाजा हुआ है। सो जो ये डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं, इनको सिर्फ आपकी अपनाइत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इसमें एक कैटेगरी आती है ऑटिस्टिक बच्चों की, और ये वो बच्चे होते हैं जो कि अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर आप गौर करेंगे ना माशरे के अंदर, तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होंगे वो किसी कोने के अंदर अपने लैपटॉप के साथ या अपनी बुक के साथ या अपनी किसी दुनिया में मगन रहते हैं। उनका आई कांटेक्ट इतना ज़्यादा लोगों के साथ होता नहीं है, आपको खुद बैठ के उनके साथ आई कांटेक्ट करना पड़ता है। और जब मेरी इंटर्नशिप हो रही थी, मुझे याद है हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पर जाया करते थे, तो मेरा बड़ा दिल किया करता था मैं इन बच्चों के साथ बैठ के, मैं बैठ के देखा करती थी और ऑब्जर्व करती थी। और मुझे आज भी याद है एक बच्चा हमजा था एंड ही वॉज ऑटिस्टिक, और मैं जब भी जाया करती थी मैं सिर्फ अगर उसको हंस के देख लिया करती थी, आप सोच नहीं सकते वो बच्चा इतना खुश हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रिश्तों को मनाने की और सेलिब्रेट करने की बात आती है, तो माशरे में ये तमाम के तमाम बच्चे और हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बहन भाई और अफराद हैं, उनको भी आपके प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चों को भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और उनके बारे में भी आपको थोड़ी ज़रूर नॉलेज देना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप इस किस्म के प्लेटफॉर्म से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, तो माशरे के अंदर अवेयरनेस देना और ये बताना कि माशरे के अंदर हर एक एक फर्द आपके मुल्क की तरक्की के लिए कारामद साबित हो सकता है, उसमें हम, मेरी और आपकी सपोर्ट की सिर्फ इन लोगों को ज़रूरत है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, जब मैं आपको बताऊं ना डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में, ये इन बच्चों की एक और खसूसियत होती है, और वो खसूसियत ये है कि जी ये बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं जब म्यूजिक बजता है। तो मेरी जो ये मेहमान सेलिब्रिटी हैं, इनको जब जब हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया, खासतौर पर खसूसी अफराद के शोज के अंदर, तो बच्चे इनको ऐसे ऐसे लिपट जाते हैं। आप लोग भी जितना भी परफॉर्म करेंगे तो लिपट जाएंगे, तो मैंने गार्ड वूड बुला के रखे हुए हैं। लेकिन ये मेहमान शख्सियत जब आते हैं, आई थिंक स्टेज जो है वो रौनक वाला हो जाता है और पुरजोश तरीके से हर किसी का दिल करता है कि इनके गानों में झूमें और बस झूमते जाएं और डांस करते जाएं। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले, द किंग ऑफ पंजाबी भंगड़ा, इफ आई से इज नॉट रॉन्ग, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली मलकू। हाँ जी, एम ए एल के लो, एम ए एल के लो।
ਜਿੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰਸ ਗੁੱਲੇ ਵਰਗੀ ਨਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਪੈਂਤੀ ਦਿਲ ਤੂੰ ਹਾਰ ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ वेलकम बैक वंस अगेन मलकू की धांसू परफॉर्मेंस कैसी लगी भाई अच्छा लेकिन भाई एक क्रेडिट भी देना चाहिए एक तो मेरी ऑर्केस्ट्रा के लिए क्लैप करें शाबाश इन बच्चों के लिए अच्छा वो बच्चे कहा ना तो बच्चे के साथ ही वो जिनके कम है बाल उस पे सबसे पहले क्लोजअप के जल्दी उम्र में भी बाल कम और मेरे गिटारिस्ट के लिए क्लैप स्पेशल होनी चाहिए हाँ वेरी गुड आर्टिस्ट और जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो ही सपोर्टेड मी अ लॉट बहुत सी तालियां वाकई में अच्छा जी प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि हम रिश्तों को सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे जरूरी नहीं हम 14 फरवरी को रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाएं आप हर लम्हा हर पल हर घड़ी रिश्तों को और हमारे माशरे में जितने भी मुख्तलिफ अफराद हैं उनके साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं खसूसी अफराद भी जो डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है और मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ऑटिस्टिक बच्चों की अगर हम बात करें मलकू से भी मैं बात करूँगी मलकू का भी बड़ा गहरा ताल्लुक हमेशा रहा है और मैं ये ऑन एयर कहूँगी कि मलकू इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट मलकू हो गए रेशम शाहिदा मिन्नी जी सायरा नसीम नदीम अब्बास और भी बहुत सारे जवाद इब्रार आरिफ भाई आरिफ लोहार साहब ये तमाम वो आर्टिस्ट हैं जब जब मेरे वालिद साहब ने गवर्नमेंट के साथ खसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इवेंट्स किए ये वो आर्टिस्ट हैं जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर आए हैं बगैर मुआवजे के और ये मुझे हमेशा मना करते हैं कि ना बताया करो लेकिन जो वाकई में अच्छे दिल के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ बहुत ज़रूरी है करना अच्छा जी ऑटिस्टिक बच्चों की बात हो रही है तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अहमद साहब मौजूद है जो ऑटिस्टिक बच्चों में उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ इस फील्ड के अंदर उनको हम वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया अच्छा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी ऑटिस्टिक बच्चों की डेफिनेशन क्या होती है ऑटिज्म की क्या डेफिनेशन ऑटिज्म को उर्दू जबान में खुद महवियत का शिकार बच्चे कहा जाता है यानी ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी अंदर की दुनिया में मगन रहते हैं यानी इंसान की एक दुनिया बाहर की होती है एक दुनिया अंदर की होती है तो ये बच्चे पसंद करते हैं कि सिर्फ अपनी ही दुनिया में मगन रहे और इन बच्चों की खासियत ये है कि ये खास तौर पर सिर्फ आर्ट्स म्यूजिक पेंटिंग
बुक रीडिंग कोई खास किस्म का जो है इनका एक जिसे कहते हैं इनकी हॉबी बन जाती है वो सिर्फ उसी में जो रहना पसंद करते हैं. अगर आप उस चीज से बाहर जाएंगे तो ये बच्चे बकायदा तौर पे कुछ खास किस्म के रवैयों का शिकार हो जाते हैं. अच्छा अब किसी खानदान के अंदर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसकी क्या सिम्टम्स होंगी, वालदैन को या घर वालों को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है या ये इशू है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है. इस देखें बहुत सारे बच्चों में ये रवैये पाए जाते हैं. कुछ बच्चे पांव उठाकर चलना पसंद करते हैं, ठीक है, तो माँ बाप समझते हैं ये भी ऑटिज्म है. कुछ बच्चे कुदरती तौर पर आई कांटेक्ट देना पसंद नहीं करते तो पेरेंट्स समझ लेते हैं या प्रोफेशनल समझ लेते हैं कि वो बच्चे ऑटिज्म का शिकार है. हालांकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन स्पेसिफिकली अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो इनका खास तौर पर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि ये सोशल कम्युनिकेशन यानी सामाजिक तौर पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बहुत मतलब पीछे होते हैं. इसके अलावा ये आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देते, ठीक है, इनकी स्पीच यानी इनका जो बोलने का जो है एक माइलस्टोन है वो बहुत ही डिले होता है, ठीक है. और भी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि रवैये जैसे कि जिसमें सेल्फ हार्मिंग यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हेड बैंगिंग यानी सर को किसी जगह के ऊपर जोर से मारना, ये इससे सुकून महसूस करते हैं. अच्छा जी. और बाज़ औक़ात तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि वो अपनी स्किन को बाइट करना बहुत ज्यादा और उनसे उनकी स्किन के बहुत सारे मसाइल्स पर अग्रेसिव होते हैं बेसिकली और मुख्तलिफ फॉर्म्स में उसका वो करते हैं, इजहार करते हैं. अब मलकू आपने इतने प्लेटफॉर्म्स पे खसूसी अफराद के आपने परफॉर्म किए, प्यार और अपनाइयत दो तो बदले में भी प्यार ही मिलता है. वो बच्चे वो जो डॉक्टर साहब उसकी डेफिनेशन कर रहे थे अपने आप में मगन रहते हैं. जब उनको कोई बाहर से प्यार करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. आम लोगों से ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड करते हैं. हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ मिलते हैं डॉक्टर साहब जब भी हमें हुक्म करते हैं. और आज का इवेंट भी आपको गला लग रहा है कि मेरा वो सफ़र शोज, लेकिन जब मुझे कहा गया कि आपका प्रोग्राम है तो मैं दौड़े चला आया. अनडाउटेडली ये तो इसमें कोई अच्छी बात ही नहीं थी. अच्छा अहमद साहब, मैं क्योंकि ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम छोटे शहरों में और देहातों में भी देखा जाते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत अवेयरनेस की कमी होती है, अब इन बच्चों को डील कैसे किया जाए? पेरेंट्स को अगर पता चल गया कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है जी जी, तो इसमें लेवल्स भी होते हैं, प्रोफाउंड लेवल, लो लेवल या मीडियम लेवल? बिल्कुल, ये कैटेगरी जो बच्चों की है ये तीन मेन इनके जो है वो लेवल्स हैं. सबसे पहले हम कहते हैं सीवियर लेवल के होते हैं, फिर मॉडरेट लेवल, फिर माइल्ड लेवल पे. तो ऐसे बच्चों को देखने का और इनको परखने का तरीकेकार ये है कि अक्सर औकात हमारे स्पेशली जैसे अपने देहातों की बात की, अगर वो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं यानी ऑलवेज ऑन द गो, हर वक्त बेचैनी के आलम में. तो ऐसे बच्चों को बाज़ औक़ात कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली कि इनके ऊपर जिन का साया है तो इनको जंजीरों से बांध कर रखा जाए या इनको दम करवाया जाए. तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो बाज़ औक़ात वो जंजीरें तोड़वा के बच्चे घर से भाग भी जाते हैं और कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं. तो इन बच्चों के साथ खास तौर पे जैसे आपने बात की, मलकू साहब ने बात की कि सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत, जैसे आज का मौका वैलेंटाइन डे के हवाले से तो थोड़ा सा मैं भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का रुख जो है थोड़ा सा इन बच्चों की तरफ भी मोड़िए. बिल्कुल सही. अच्छा इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात की जाए और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत देखा गया है कि जो खसूसी बच्चे होते हैं उनको आप बाकी तक जो नॉर्मल सेटअप होता है उसके अंदर आप बच्चों के साथ डालें ताकि वो ज्यादा सोशल स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें, तो ऑटिस्टिक बच्चे क्या इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल. एक खास बाहर के मुल्कों में एक खास किस्म का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसमें पहले ऑटिज्म स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते हैं जिसमें बच्चों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उनको एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में भेज दिया जाता है जहां पे वो मतलब अब इंक्लूसिव एजुकेशन में ये भी आता है कि स्कूल में पहले से मौजूद बच्चे जो नॉर्मल स्कूल है उनके अंदर उन बच्चों को भी बताया जाता है कि ये ऑटिज्म है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है, इसको आपने अपने अंदर तस्लीम करने का जज्बा पैदा करना है. उसके बाद ये बच्चा उनके साथ जब शामिल होता है तो इस तरह से एक बिल्कुल आपको महसूस नहीं होता कि ये बच्चा एक मुख्तलिफ है या इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी या कोई इसमें चैलेंजिंग बिहेवियर है, तो वो बच्चा उनके साथ बिल्कुल मिलकर जो है वो काम करना शुरू कर देता है. अच्छा म्यूजिक की अगर बात करें, ये तो मुझे मालूम है कि जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनका एक बड़ा खास लगाव म्यूजिक के साथ और डांस के साथ होता है. मलकू ने भी आई एम श्योर बताएंगे कि वो डांस साथ कर रहे होते हैं, आप ना भी बुलाओ ना तो आके झपट मारना शुरू कर देते हो, गले लगते हैं. ऑटिस्टिक बच्चे भी इसी तरह ही होते हैं जी. इस वक्त इंग्लैंड में, लंदन में स्पेसिफिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और इवन चर्चेज ऐसे हैं, चर्च में आपको पता है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को बकायदा तौर पे म्यूजिक की ट्रेनिंग के साथ हायर किया गया है. और मैंने अपनी आंखों से देखा, आप लोग सोशल मीडिया और सब लोग यूज करते हैं, आप लोग यूट्यूब पे चेक कीजिएगा कि ऑटिस्टिक बच्चे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को प्ले कर रहे हैं. वाह वाह.
आखिर में। तो बात वही है कि अगर इनको सही डायग्नोसिस मिल जाए और इनकी प्रॉपर किस्म की ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे वाकईतन जो है वो एक खास किस्म की कैटेगरी में, अगर वो आर्ट्स में म्यूजिक में है तो म्यूजिक में ऐसा होगा कि उसकी मैचलेस क्वालिटी होगी। बिल्कुल। अगर वो पेंटिंग में होगा तो उस जैसी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। हमारे पिछले गुजरे जितने भी बड़े बड़े नाम है आर्ट्स में, उन सब में ऐसे कुछ खास किस्म के बिहेवियर्स मौजूद थे, लेकिन उस वक्त सर्विसेज नहीं थी, उस वक्त एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है तो इन चीजों को, अवेयरनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके लोग आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये बच्चे भी मोहब्बत का, मोहब्बत के तलबगार है और इनको भी अपने सोसाइटी में शामिल करके मेन स्ट्रीम में जगह देनी चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये बच्चे बड़ा एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप ये मत देखें, खुदारा मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये मत देखें कि ये बच्चे क्या नहीं कर सकते, आप ये देखें कि ये बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं। और वो जो सब कुछ कर सकते हैं उस टैलेंट को आप इन्हेंस करने की कोशिश करें, पॉलिश करने की कोशिश करें, थोड़ी सी सपोर्ट दें, आप सोच नहीं सकते, दे कैन डू वंडर्स एंड मिरेकल्स। और प्लीज़ घर बैठ के इन बच्चों को एक बोझ और जिम्मेदारी मत समझें, ये बच्चे भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और बहुत कारामत तरीके से माशरे में पॉजिटिवली अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं अगर मैं और आप मिल के इनको सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब जाने जी मलको कुछ कहना। मैं अक्सर जब बात होती है स्पेशल बच्चों की, अच्छा मैं इसको और हिसाब से देख रहा होता हूँ, स्पेशल मीन्स डिफरेंट, और स्पेशल जो होता है उसको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। घर में भी जो बच्चा स्पेशल होता है उससे ज़्यादा प्यार किया जाता है, जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, तो जब स्पेशल बच्चे हैं तो उनसे प्यार भी ज़्यादा करना चाहिए और हकदार भी हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि छुपाए मत इसको, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाएं और जितने भी डॉक्टर बैठे हैं और बहुत से इदारे हैं, आपके फादर हैं, और मैं समझता हूँ इनको सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत होती है, इनको थोड़ा सा भी प्यार मिलता है तो ये बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, और अल्लाह के बड़े नज़दीक ये बच्चे होते हैं, आप सोच नहीं सकते कितना गहरा ताल्लुक मेरे रब के साथ इन बच्चों का होता है। तो खुदारा इनको इग्नोर मत कीजिए, इनको वर्ड स्पेशल होता है मजजूब, मतलब ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली अल्लाह के साथ इनका लिंक होता है, कि दुनिया में इंटरेस्ट इनका नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि मैं पर्सनली देख चुकी हूँ, मैंने अपने वालिद साहब के साथ जो अटैचमेंट इन बच्चों की देखी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि प्लीज इन बच्चों को खास तवज्जो दें। अच्छा डॉक्टर साहब जाने से पहले, 2 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, 2 अप्रैल को ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि 2 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑटिस्टिक लोगों को एज ए कम्युनिटी, एज ए जिसे कहते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन बीइंग जो है एक्सेप्ट, बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ